ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଶ୍ୟାମ ରୋଷେଇ, ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର ଏକ ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ। ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ରୋଷେଇଶାଳା ବୁଝିଛି ଲୋକଙ୍କ ପେଟର ଭୋକ। ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଗୋଏଲ ନାଙ୍ଗଲୋଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ରୋଷେଇ। ଆଉ ଏହି ରୋଷେଇରେ ଖାସ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ ମାତ୍ର ଏକ ଟଙ୍କାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା। ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଏଠି ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି ହଜାରେ ଲୋକ ଏଠି ଖାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରବୀଣ କୁହନ୍ତି ଲୋକ ଫ୍ରି ଖାଇବା ଭାବି ନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। डेली मैम यहाँ तो आते हैं 1100 आदमी यहाँ आता है, बाकी बाहर रिक्शा जाती हैं, ई रिक्शा बाहर लगी हुई हैं। आप देखिए यहाँ पे लोग राशन लेके आ रहे हैं, कोई दाल ला रहा है, कोई चीनी ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई सूजी ला रहा है, सब सामान आ रहा है। और कुछ एक एक रुपया पेटीएम से भी दान भी आ रहा है। मैं आपको ये मैडम एक डेढ़ महीने से एक रुपया है, उससे पहले 10 रुपये का जो ये दान आ रहा है इससे खाना बन जाता है। एक रुपये में खाना मैं एक महीने करीब हो गया, ठीक ठाक मिलता है, अच्छा लग रहा था। एक रुपये में कहाँ आजकल कुछ होता है सर, एक रुपये में तो पानी भी नहीं मिलती बाजार में, 2 रुपये गिलास मिलता है। हाँ ठीक ठाक रहता है, पूरा मिलता है, बढ़िया मिलता है, नहीं कुछ खराब नहीं मिलता। प्रारंभिक समय रे प्रवीण एठारे गोटिए थाली रो दाम 10 टंका रखिथिले, हेले अधिक लोकों को आकृष्ट करिबा पई से एही दाम को 10 टंका रे 1 टंका कर दिथिले। प्रवीण कहिछंती जे लोक माने भिन्न भिन्न प्रकार रे एठारे दान करथंती, कि आर्थिक भाव रे सहाय्य करथंती, ताओ किए लोकों को खाद्य दान करथंती, आ से मध्ये ए महत काम करी आत्मसंतोष लाभ करथि। तबे प्रवीण को ए महत काम को नी सोशल मीडिया रे ताकर भुरी भुरी प्रशंसा हेबारे लागिछि, आ सोशल मीडिया रे वायरल हेउछि श्याम रसोई। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑगस्टिन्स।